बटोपिया के सैनिकों, तुम सबको यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत जल्द पृथ्वी पर हमारा राज होगा। हम पृथ्वी के लोगों को पकड़कर उन्हें रोबोट्स का गुलाम बना लेंगे। सबसे पहले पृथ्वी पर हम इसे भेजेंगे। हम रोबोट सेना बना रहे हैं। मुझे नाकामयाब होना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए हमने इसे बनाया है। तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ। तो अब पृथ्वी पर कब्जा करने के ऑपरेशन की शुरुआत करो। जाओ। नोबिता, वो देखो। ये तो बस एक खिलौना है। मैं तो डर ही गई थी, ये तो बहुत अच्छा खिलौना है। इसे सुनियो के कजन ने बनाया है शिजुका, मुझे लगता है वो कोई जीनियस है। तुम सही समझे नोबिता, तुम्हें जलन हो रही है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ? लगता नहीं तुम्हें देखकर, तुम बहुत हैरान दिखाई दे रहे हो। सही कहा, तुम्हें जलन हो रही है। ये सच है ना? मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही। मैं इससे भी बड़ा रोबोट बना रहा हूँ, किसी घर के जितना बड़ा रोबोट। ये तो कुछ भी नहीं है। देखो तुम झूठ मत बोलो। अब ये खाओ। अरे रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। मुझे तो जलन हो रही है। इतना छोटा सा रोबोट ऐसे करता है और गोलियां भी चलाता है। मुझे भी ऐसा ही रोबोट चाहिए। डोरेमोन सकता है, यहाँ तक कि गोलियां भी चला सकता है। मुझे भी वैसा ही रोबोट चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा रोबोट है? कहाँ है? यहाँ। क्या तुम बड़े हो? तुम चल सकते हो, गोलियां भी चला सकते हो। नहीं तुम नहीं डोरेमोन, मुझे कुछ अच्छा दिखने वाला चाहिए। एक ऐसा रोबोट जो बहुत ताकतवर हो, जिसके बड़े बड़े पैर हो और जो बहुत बड़ा हो, इस कमरे जितना बड़ा। मुझे इतना बड़ा रोबोट चाहिए डोरेमोन, कहीं से भी लेकर आओ प्लीज डोरेमोन, मुझे इतना बड़ा रोबोट चाहिए। जब तुम्हारे पास मेरे जैसा रोबोट है तो तुम्हें और क्या चाहिए? पता है मेरे जैसा रोबोट कितनी मुश्किल से बनता है? तुम्हारे पास इतना अच्छा रोबोट है, फिर भी तुम रो रहे हो, बिल्कुल किसी मतलबी इंसान की तरह। बहुत गर्मी है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ठंड के लिए मुझे कुछ करना होगा। डोरेमोन, बहुत ठंड है। पता नहीं ये जगह साउथ पोल है या नॉर्थ पोल। डोरेमोन कहाँ हो तुम? जल्दी सामने आओ, नहीं तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। तुम्हारे चक्कर में मैं बीमार पड़ जाऊंगा। डोरेमोन, हाँ? अच्छा तो तुम वहाँ छिपे हुए हो। डोरेमोन मिल गए। ये क्या है? ये क्या? देखता हूँ। हाँ, ये तो कोई मशीन है। नोबिता, ये क्या हो रहा है? मॉम, मैं गिर गया था। हाँ, पता नहीं ये क्या है। ये तो वही चीज है, पर ये है क्या? अरे फिर से कुछ आ गिरा, ये पहले वाले से बिल्कुल अलग है। नोबिता, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये सब है क्या? समझ गया, ये मुझे लगता है ये खास मेरे लिए ही आया है।
डोरेमोन, डोरेमोन, मेरा सब भूल गया था और फिर मेरे पीछे पोलर बियर पड़ गया। तुम्हारा शुक्रिया डोरेमोन। उसे देखो, वो तुमने मुझे दिया है ना? ये क्या है और तुम्हें कहाँ से मिला? क्या ये तुम्हारा नहीं है? ये मेरा नहीं है। तू ये किसका है? कुछ आया है। ये क्या हो रहा है? ये सब इसने किया है डोरेमोन। ये क्या है? यही तो सिग्नल भेजता है। जब सारे पार्ट्स नीचे आ जाएंगे तो मैं एक बड़ा रोबोट बना लूंगा डोरेमोन। उसके बाद बहुत मजा आएगा। देखो नोबिता, हमें इसे इसके मालिक को लौटा देना चाहिए, को दे देते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या तुम पुलिस से कहोगे कि नॉर्थ पोल पर एक रोबोट लावारिस पड़ा हुआ था? इसे किसी ने मेरे लिए भेजा है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा डोरेमोन। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। पता नहीं ये है क्या। समझ गया, जब भी इसका मालिक आएगा हम इसे लौटा देंगे। पर तब तक क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? बोलो बोलो। अगर सिर्फ पार्ट्स को जोड़ने की बात है तो ठीक है, लेकिन हम ये काम करेंगे कहाँ पर? गार्डन में। लेकिन मॉम गुस्सा करेंगी, वो वहाँ कपड़े नहीं सुखा पाएंगी। कपड़े धोने जैसे बेकार काम जरूरी है। लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं उसे स्मॉल लाइट से छोटा कर देता हूँ। नहीं, ये बड़ा ही अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन जब हम इसे पूरा कर लेंगे और इतना बड़ा रोबोट शहर में निकलेगा तो उससे दूसरों को परेशानी होगी ना? तुम हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? समझ गया। वो मिरर वर्ल्ड याद है जहाँ हम पहले गए थे डोरेमोन? वो हमारी दुनिया जैसा था, लेकिन अच्छी बात है वहाँ पर कोई है। वहाँ हम चाहे जो भी करें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, ये इस मिरर के अंदर नहीं जा पाएगा। तुमने सही कहा, एक बड़ा रोबोट मिलने की खुशी में मैं ये बात भूल गया था। अरे हाँ, इससे हमारा काम बन जाएगा। रिवर्स वर्ल्ड ऑयल। हमें मिरर की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इसे किसी मिरर जैसी चीज पर डाल दें तो हम मिरर वर्ल्ड में जा सकते हैं। ये तो जल्दी करो, अभी चलते हैं। लेकिन ये बताओ, ऐसी बड़ी सी मिरर जैसी चीज कौन सी होगी? समझ गया, लिविंग रूम फिशिंग सेट। तुम तो सच में बहुत अकलमंद हो डोरेमोन। अब हम ये ऑयल इसमें डाल देते हैं। ये तो मिरर वर्ल्ड है। ये है लिफ्ट अप ग्लव्स। वाओ, ये तो बहुत हल्का है, मैं इसे उठा सकता हूँ। मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करता हूँ। ध्यान से डोरेमोन। डोरेमोन, ये पार्ट तो जमीन को छू रहा है। तो इसे थोड़ा सा घुमा दो नोबिता। हाँ हाँ, इसी तरह। एक मिनट रुको, मैं ये खिड़की निकाल देता हूँ। हाँ, यहाँ तो पानी नहीं होगी, इसलिए फिक्र मत करो। गोल्डफिश यहाँ नहीं है। देखो नोबिता, ये मिरर वर्ल्ड सिर्फ सीनरी की दुनिया है, इसलिए यहाँ कोई इंसान, जानवर या जीवित प्राणी नहीं है। मैं समझ गया। बहुत अच्छे। हाँ, ऐसे ही। तो तुम्हारा मतलब इतनी बड़ी जगह पर सिर्फ हम दोनों हैं? हाँ नोबिता, तुम जितनी जगह चाहो उतनी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जगह कितनी बड़ी है डोरेमोन? जहाँ तक नजर जाए, देखो ये असली दुनिया की हूबहू नकल है, और ये भी उतनी ही बड़ी है नोबिता। चलो अब जल्दी से इस रोबोट को जोड़ते हैं। अरे एक और चीज आ रही है। ये हाथ है। चलो इसे भी हम वहीं पर ले चलते हैं नोबिता।
ये सब क्या हो रहा है? वाह! लगता है सारे बात आ चुके हैं। ये चलो इन सबको छोड़ते हैं। हम दोनों देखो तो कैसे जमीन में डूब चले, हम ऐसी दुनिया में जहाँ सिर्फ हमारा राज चले। यहाँ पहुँचे हैं हम, यहाँ कोई नहीं देख सके हमें, जहाँ सपने में भी किसी को नहीं पता जादू ऐसा है क्या। हाँ देखो 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 जादू दिखा, घुल मिल के रहे हम सदा। देखो 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 जादू दिखा, हम तेरे जादू दादा। सुनो 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 दिल का कहा, हमने किस्मत को भूल लिखा। सुनो 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 दिल का कहा, लगता है। हा? चलो जल्दी से इसे लगाते हैं। हाँ जल्दी करो, ये तैयार है। लगता है ये जगह कंप्यूटर के लिए बची है। हमारे पास तो ऐसा कोई बात नहीं है, उसके बिना ये नहीं चल पाएगा। देखो ऐसा मत कहो और जल्दी कुछ करो। फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल लगी है, मैं कुछ जरूरी चीजें खरीद कर अभी आया। जल्दी वापस आना। ये तैयार हो गया, मजा आ गया। चलो डोरेमोन इसके अंदर चलते हैं। मैंने इतना बड़ा रोबोट पहले कभी नहीं देखा, ये तो बहुत अच्छा है। ये बंद हो गया डोरेमोन। हाँ हो तो गया। नहीं चलाया है, कोशिश करोगे तभी तो चलेगा। तुम्हें तो कुछ नहीं आता डोरेमोन। तुम्हें भी तो कुछ नहीं आता नोबिता। ऐसी बात नहीं है डोरेमोन। अब मुझे इसे अच्छे से करना चाहिए। ये तो हिल रहा है। मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं सामने। बहुत अच्छे। ये तो मेरे आदेश के मुताबिक ही चल रहा है। पता है अब मुझे लग रहा है कि मैं एक जीनियस हूँ। खरीदा था ये कंप्यूटर, तुम्हारी ब्रेन वेव से ऑपरेट होता है, इसलिए तुम जैसा सोचोगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। हाँ, तो इसका मतलब अब तक इसे तुम चला रहे थे। अरे तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है नोबिता, तुम अब भी इसे चला सकते हो। शिज़ुका। हाँ रोबोट, लेकिन इस वक्त तो मैं स्विमिंग करने पूल पर जा रही हूँ नोबिता। मैं तुम्हें पूल से भी अच्छी जगह लेकर चलता हूँ शिज़ुका। हाँ, सच में? आता नहीं जिन्हें उड़ना, पंख लगा दो उनको, फिर सारा जहाँ ये उनका बदलेगा देखो। हाँ, ये बिल्कुल मिरर जैसा है। हाँ, तुम्हें ये पसंद आया? हाँ। है वो भी पंख जुड़ते ही बनते शैतान ही परी। पंख लगा और चिला बन जाती हो, उड़ते देखेंगे नीले अंबर में। सोचता क्या हूँ जान लो तुम्हारे बारे में। लगता है जैसे ये पानी में सो रहा है। ये रोबोट झील में तैर रहा है शिज़ुका। पर तुम भी तो एक रोबोट हो ना डोरेमोन। हाँ मैं भी एक रोबोट हूँ, लेकिन ये रोबोट ऐसी चीजों से बना है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी नोबिता।
हाँ ये तो बहुत ही अजीब है। और उससे भी हाँ। बड़ी बात, हमने इसका कोई नाम भी नहीं रखा है। क्या इसके लिए कोई अच्छा सा नाम है? राकू कैसा रहेगा? नहीं राकू तो थोड़ा सा। सैंटा क्रॉस हाँ? कैसा रहेगा? हाँ ये ठीक रहेगा। तो आज से इसका नाम सैंटा क्रॉस है क्योंकि ये नॉर्थ पोल से आया है। तो आज से ये हुआ सैंटा क्रॉस। जूडो, कहाँ हो तुम जूडो? जूडो, जूडो, लोपीता, ये क्या है जूडो? नंबर वन है नोबिता। चलो चले। वाह तुमने कमाल कर। अभी हम अपनी जगह पर सीधे खड़े हैं। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा डोरेमोन। चाहे ये रोबोट कुछ भी करे शिज़ुका या कहीं भी जाए, इसके अंदर के हिस्से में बदलाव नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है डोरेमोन? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा डोरेमोन, इसका मतलब ये रोबोट। तुम दोनों इस वक्त ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहे हो? तुम इसे एक बार ट्राई क्यों नहीं करती? क्या काम है? क्या मैं इसे चला पाऊंगी? ये तो बहुत आसान है। तुम इसे पकड़ लो और बस भागने, जंप करने या और किसी भी चीज के बारे में सोचो। अच्छा है। ये बटन कैसा है नोबिता? हाँ ये तो बस ऐसे ही है। हाँ 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 कुछ ही पल में धूल बन गई। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा नोबिता। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है शिज़ुका। इसका मतलब है इस रोबोट में तबाही के हथियार हैं। इस बार तो कोई नुकसान नहीं। अपनी बातें मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। हम तीनों इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे दोस्तों। इसे हमेशा राज ही रखेंगे। हम इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएंगे। और सैंटा क्रॉस का क्या होगा? इसे अब भूल जाओ। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा तो ये बात है, सारे पार्ट्स नॉर्थ पोल पर पहुंच गए हैं ब्रेन की मदद से, पर मुझे एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दिया। और यहाँ तक तो मैं बस ब्रेन के भरोसे ही पहुँच पाई हूँ। सब बिगड़ गया है। मैं यहाँ थोड़ी देर और रुककर तलाश करूंगी। चलो जल्दी चलो। बाय बाय बच्चों। नोबिता तुम रुक जाओ। हाँ, लेकिन क्यों सर? इसकी वजह सोते रहते हो, इसलिए तुम्हें आज रुककर पढ़ाई करनी होगी। बाय। आप नहीं समझ सकती कि सैंटा क्रॉस के खो जाने का मुझे कितना दुख है। हूँ आपका दोस्त मेसी, और अब सुनिए मेरा गाना। वो इतने छोटे से घर में नहीं छुप सकता।
वो क्या कह रही थी, ये कोई छोटा सा घर है? हेलो डोरेमोन, कैसे हो तुम? इस बार मेरे पास पूरे साल का प्रोडक्ट कैटलॉग आया है, क्या तुम्हारे पास भेज दूँ? नहीं मत भेजना, उसे वहीं रखो, यहाँ तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। क्या कहा इसने, यहाँ जगह नहीं है? कितनी सुंदर है। ये कौन है? नोबिता जी, तुमने होमवर्क पूरा कर लिया? जी हाँ मैंने कर लिया। दिखाओ। ये क्या, वो तो चली गई। ठीक है, तुमने सब सही किया है, तुम घर जा सकते हो। ठीक है, बाय बाय। बाय। मेरा सांता क्रॉस, ये क्या है? ये तो सुनियो का रोबोट है, उसे वापस दो। वो कहाँ चला? हाँ हाँ तुम लेट हो। तुम दोनों मेरा बैग वापस करो। हे नोबिता, तुम्हारे घर में एक बड़ा सा रोबोट है, क्यों है ना बताओ मुझे। क्या रोबोट, कौन सा रोबोट है? झूठ मत बोलो। तुमने कहा था तुम एक रोबोट बनाओगे, क्या तुम भूल गए नोबिता? वो तो मैंने यूं ही कहा था। यूं ही कहा था? सुनियो इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। पीटो इसे। नोबिता, नोबिता बचोगे? क्या तुम ही हो नोबिता? हाँ मैं हूँ नोबिता, पर क्या हुआ? मैं हूँ रीरुरु। रीरुरु, तुम विदेशी हो? क्या कहा? वो क्या होता है? लगता है वैसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले। रुक जाओ, तुम इसे नहीं ले जा सकती, हमें नोबिता से कुछ काम है, समझी? चलो चलते हैं। हमने कहा रुको, अभी मजा चखाता हूँ। अरे क्या, मैं आ गया। हमारा घर थोड़ा पुराना है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। घर को पुराना कहना कितनी बुरी बात है। प्लीज ऊपर के कमरे में इंतजार करो। क्या मॉम, आपके पास थोड़े और टेस्टी केक या तरबूज नहीं है? हमारे पास बस यही है, समझ गए? मैं आ गया। ये तुम क्या कर रही हो? रोबोट कहाँ पर है? क्या कहा रोबोट, कौन सा रोबोट? तुम नोबिता ही हो ना? हाँ लेकिन तो तुम्हें पता होना चाहिए रोबोट कहाँ है। तुम किस रोबोट की बात कर रही हो, मैं नहीं जानता। क्या तुम रोबोट को ढूंढ रही हो? हाँ वो मेरा एक स्पेशल रोबोट है। तुम्हारा रोबोट? लेकिन तुम्हारे पास ऐसे खतरनाक हथियार क्यों है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम गलत सोच रहे हो, वो कोई खतरनाक हथियार नहीं है, वो तो लोगों की मदद करने वाला रोबोट है। तो वो नॉर्थ पोल में क्या कर रहा था? मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकती, पर वो नहीं मिला तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। समझ गया, मैं वो रोबोट वापस कर देता हूँ। असल में मैं स्पेयर पॉकेट खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे साथ आओ। अरे ये तो बिना बैम्बू कॉप्टर के ही उड़ रही है। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो और तुम कौन सी जगह से आई हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम क्यों यहाँ? जूडो, जूडो, मैं आ गई। जूडो,
ये कैसा नाम है? जूडो, क्या हुआ जूडो? जवाब दो ना। कंट्रोलर के बिना ये बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, जूडो अपने आप भी काम कर सकता है। अच्छा, जब तुमने इसे जोड़ा था तो क्या इसमें ब्रेन डाला था? ब्रेन? वो बॉल जैसी चीज होती है। क्या बॉल जैसी कोई चीज? ओह, पता नहीं वो कहाँ चली गई। बताओ कहाँ है वो? लगता है मैंने उसे कहीं खो दिया है, मुझे माफ कर दो। हाँ, याद आया, मेरे पास इसका कंट्रोलर है, इसकी मदद से तुम इसे चला सकती हो। जूडो, मूव। अरे वाह, ये काम कर रहा है, आगे बढ़ो। ये कितनी अच्छी तरह चलता है ना? अरे नहीं, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम्हें मुझसे दो बातों का प्रॉमिस करना होगा। हाँ? पहली बात है, तुम्हें हमेशा राज रखनी होगी। हाँ, मैं समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया। मैं पृथ्वी से बोल रही हूँ, फ्रॉम रीरूरू टू हेडक्वार्टर्स। जूडो मिल गया है, पर उसका ब्रेन नहीं मिला। मैं मिशन जारी रखूंगी, जूडो को मैं अब मैनुअली कंट्रोल करूंगी। मुझे एक बढ़िया चीज मिली है, एक निर्जन दुनिया जो कि नॉर्थ पोल से भी बड़ी है। यहाँ हम अपने प्लान पर काम कर सकते हैं और इंसानों को पता भी नहीं चलेगा। मैं रोबोट सेना से विनती करती हूँ कि वो बेस पूरा होने तक तैयार हो जाए। मैकाटोपिया की जय हो। जूडो, आज बेसबॉल का मैच है और नोबिता टीम में नहीं है। अब हम जरूर जीतेंगे। नोबिता, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जरूर। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? अपनी फिश ठीक तरह खाओ नोबिता। फिश की बात करने पर मुझे याद आया, हमारे पड़ोसी यामाडा को अचानक ही फिशिंग का शौक हो गया है, और कमाल की बात यह है कि वो आज फिशिंग करने पास के फिशिंग पॉन्ड पर आए हैं। आप फिशिंग पॉन्ड की बात क्यों कर रहे हैं? आज तुम्हें अचानक क्या हो गया है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इसी बात से मुझे याद आया कि उनकी पत्नी तो मिरर की तरफ बिल्कुल देखना। आप मिरर की बात करना बंद कीजिए, मैंने खाना खा लिया। नोबिता, नोबिता। अरे नहीं, इसे क्या हुआ? समझ नहीं आता जैंडा क्रॉस को वापस देना ठीक है या नहीं। पता नहीं वो लड़की इस वक्त क्या कर रही होगी। आसमान में कुछ चमक रहा है, शूटिंग स्टार। एक और, कुछ गड़बड़ है, जाकर देखता हूँ। हाँ, वो सांस इसी तरह है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ओ, 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 अरे ये क्या, ये शूटिंग स्टार भी मिरर वर्ल्ड के अंदर चला गया। हाँ, ये क्या है? लगता है ये किसी मशीन का कोई मैकेनिकल पार्ट है। चुप रहो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। डोरेमोन, तुम अजीब बर्ताव कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। और जानते हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? नोबिता, मैं जानता हूँ। देखो नोबिता, मुझे तो लगता है जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो एक एलियन है। लेकिन मुझे तो वो एलियन नहीं लगी। वहाँ पर क्या हो रहा है डोरेमोन? ये क्या? ये यहाँ कैसे आया? इन्होंने शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया है। ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी का सेट लग रहा है। अरे देखो, वो जैंडा क्रॉस है। रीरूरू भी वहीं पर है। ये क्या कर रहे हैं? वो बातें कर रही हैं, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो ठीक है, वायरलेस पेपर कप फोन, जाओ। देश की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाओ। इसका बनना बहुत जरूरी है। सेना कोच करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बस बेस का तैयार होना बाकी रह गया है, और पृथ्वी पर हमले के लिए बेस का तैयार होना जरूरी है। पूरी मेहनत करो और
कि ये पूरी तरह से कामयाब हो जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये लड़ाई है इंसान। तुम भी यहाँ आ गए, ये बिल्कुल सही वक्त है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी अपने साथ मिला लूं। मैं मेरा मदद के लिए एंट्री पॉइंट बनाने के बारे में सोच रही थी। प्लीज मेरी मदद करो ना, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें इंसानों के बीच एक खास जगह दूंगी। बाहर आ जाओ नोबिता, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। भागो! तुम भाग नहीं सकते। डायमेंशनल क्वेक कहते हैं। एग्जिट का साइज बड़ा करने के लिए जरूरत से ज्यादा ताकत लगाने की वजह से ऐसा हुआ है, और अब तक एग्जिट भी बंद हो गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रोबोट अब हमारा पीछा नहीं कर सकते। तुमने सही कहा। पर क्या रीरूरू भी? चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे ये क्या? मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ओ रुको, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है पर ट्रांसलेशन पेस्ट। मेरे शरीर के साथ क्या किया? मुझे वो वापस चाहिए। वो तू कहेंगे मेरा शरीर कहाँ है? तुम्हारे शरीर और बाकी सब लोगों को हमने मिरर वर्ल्ड में बंद कर दिया है ताकि वो बाहर ना आ सके, समझे? क्या कहा? रीरूरू, रीरूरू, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। वो मिरर वर्ल्ड में है जो खत्म हो गया है, हम उन्हें दुनिया को बर्बाद नहीं करने देंगे, समझ गए? रीरूरू, रीरूरू, अभी अभी रीरूरू ने मुझे एक मैसेज भेजा है। मैं कटोपिया की रोबोट सेना पृथ्वी पर अपने बेस के लिए निकल चुकी है, जो अब बस पूरा होने ही वाला है। वहाँ जल्दी वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। रोबोट सेना पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लेगी, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हैरान हो गई ना? ये नहीं हो सकता, हम बन जाएंगे। यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। तुम दोनों की हमेशा फिक्र होती है। तुम दोनों इतनी कॉमिक्स पढ़ते हो, इतना टीवी देखते हो। मैं सच कह रहा हूँ, स्पेस से रोबोट का हमला होने वाला है। हमारा विश्वास कीजिए। फोन काट दिया। तुम सबको फोन करो, प्राइम मिनिस्टर को फोन करो, पुलिस चीफ को फोन करो, स्पेशल एजेंट्स को फोन करो। कोई हमारा विश्वास नहीं कर रहा। अब कुछ नहीं हो सकता, वो रोबोट पृथ्वी पर हमला कर देंगे। जियानो और सुनियो को इस सब के बारे में बताते हैं, वो हमारा विश्वास जरूर करेंगे।
क्या रोबोट की सेना वो आने वाले हैं? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। इन्हें हमारी बात पर विश्वास है। वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन फिर दोस्तों ये बताओ, क्या हम चार लोग पृथ्वी को बचा पाएंगे? हाँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है मुसीबत के समय में पर इस ब्रेन के साथ तुम उससे दोस्ती कैसे कर पाओगे? शायद हमें इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। बदलाव करने में तो समय लगेगा, अगर हम इससे बात करके देखें तो शायद काम बन जाए। ठीक है, पहले बात करके देखते हैं। जरा तुम कुछ देर शांत रहो। ये है ट्रांसलेशन पेस्ट। तुम शांत हो जाओ। करके सजा दी जाएगी और तुम्हें अलग अलग तरह से सताया जाएगा, समझे तुम? चलो आगे सुनते हैं। रोबोट सेना बहुत ताकतवर है, वो इंसानों को गुलाम बनाने का सपना देख रहे हैं। समझने की कोशिश करो। ये कितना उछलता है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। सुनो, तुमने कुछ करो, जल्दी करो। और कोई रास्ता नहीं है। द टॉकिंग बॉक्स। अगर हम इस बॉक्स में कोई चीज रख दे तो वो शांत हो जाती है और फिर आराम से बात करती है। चलो इसे इसके अंदर रख दो। तुम इसे पहले नहीं निकाल सकते थे? ये क्या कर रहे हो? स्विच ऑन करता हूँ। कितना क्यूट है। अरे इसके तो पंख निकल रहे हैं। ये तो बहुत प्यारा है। ये हमेशा करता है पी पी पो पो, तो हम इसका नाम रखेंगे पिपो। कितना बेकार नाम है ये, पृथ्वी के लोगों को तो नाम रखना भी नहीं आता। पियो। देखो तुम मेरे फालतू के नाम रखने बंद करो, मेरा असली नाम है जूडो। पियो। पर जूडो नाम अच्छा नहीं लगता, तुम्हें पीपो नाम कैसा लग रहा है? प्यारा सा तो है ना? देखो, इससे प्यारा नाम मैंने आज तक किसी का नहीं रखा। लगता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इन पृथ्वी के लोगों को समझ पाना मेरे बस की बात नहीं है। उफ, मेरे तो कान तक गए। दोस्तों ये देखने में तो बहुत अच्छा है, पर इसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है। हम इसके सोचने का तरीका नहीं बदल सकते, पृथ्वी के इंसान तो बहुत बोरिंग है। मेरी बात सुनो, अगर तुम इस तरह बातें करोगे तो हमारे लिए खुद पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हम सब शांति से बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर की बातें कर रहे हो। मैं बात की बातें नहीं कर रहा, हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नमिता बुद्धू से तो बिल्कुल भी नहीं। पियो, तुमने अगर फिर से ऐसी बात की तो देखना। क्या शोर मचा रखा है, बाहर जाकर खेलो। ये सब क्या है, इंसानों को तो बहुत गुस्सा आता है। मॉम का काम ही गुस्सा करना होता है। देखो यहाँ पर ये सब होता रहता है, समझ गए ना तुम? ठीक है, बाकी सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले तुम सब मेरा एक गाना सुनो और उस लड़ाई को भूल जाओ जो अभी कुछ देर पहले हुई। इस गाने का टाइटल है मैं और मेरे सात सपने। दोस्तों मैंने देखे हैं कुछ सपने, पहला सपना मैं बनूं और भी ताकतवर, और दूसरा सपना मैं मेरा मुंह बंद करने की जरूरत नहीं, इस मोटे का मुंह बंद करो। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें पता है तुम ये किसको कह रहे हो? पता है? तुम्हें गाना गाना नहीं आता, तुम तो बस चिल्ला रहे थे। क्या कहा तुमने? तुम्हें गाना गाना भी आता है क्या? आता है।
तो तुम जल्दी से हमें गाना गा के दिखाओ। सबसे पहले है प्यार, मैं और तुम दोनों तो एक है, उसके बाद आए आशाएं, तुम तो तुम हो, मैं तो मैं हूँ, कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। बहुत बढ़िया गाना था। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा था, कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा भी नहीं था, अब रहने भी दो। क्या तुमने गाना सीखा है? नहीं, मैंने नहीं हा? सीखा। क्यों नहीं सीखा? तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। बात यह है कि मेट्रोटोपिया में सिर्फ राजघराने के रोबोट्स ही गाना गा सकते हैं, बाकी रोबोट्स को गाना गाने की इजाज़त नहीं है। दोनों तो एक है, उसकी बात। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी गाना गाने की हिम्मत कैसे हुई? इसका तो काम तमाम हो गया, आज के बाद यहाँ कोई गाना नहीं गाएगा। ये तो बुरी बात है। अगर तुम गाना ना गा सको तो वो आजादी किस काम की? जिया ने बिल्कुल सही कहा, किसी को गाना गाने से रोकना बहुत गलत बात है। पर दरअसल हम जैसे लेबर रोबोट्स को वहाँ पर कुछ भी नहीं समझा जाता, पृथ्वी पर ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता। तुम गाना चाहो तो गा सकते हो। अरे सुनो, तुम भी एक रोबोट हो, तुम इन इंसानों के साथ क्या कर रहे हो बताओ? मैं समझा नहीं। देखो, ये इंसानों या रोबोट की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा दोस्त है। नोबिता ने सही कहा। इन लोगों के साथ कुछ अजीब सा लगने लगता है, अगर इनके साथ रहा तो मैं इनके जैसा ही हो जाऊंगा। नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं तो यहाँ रिरुरु की मदद करने के लिए आया हूँ। पीपो, मैं कितना गलत सोच रहा था, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम आखिरकार सब कुछ समझ ही गए। मैंने कहा था ना कि ये समझ जाएगा। ओ, तो ठीक है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। मैं अपने शरीर में घुसकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, मेरा शरीर कहाँ है? इसने सही कहा, अगर हम पीपो को जांडा क्रॉस में रख दे तो हम उससे भी मदद ले पाएंगे। हा? वो अकेला ही हजारों लोगों के बराबर है। ठीक है, तो चलो मेरा वर्ल्ड में चलते हैं। लेकिन मेरे पास इंडोर फिशिंग सेट नहीं है, और ऐसी कोई चीज भी नहीं जिसे हम बड़ा सा मिरर बना सके। एक चीज है, शिजुका के घर का बाथटब। नोबिता, क्या हमें शिजुका को नहीं बताना चाहिए? इस खतरनाक काम में किसी लड़की को लेना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हाँ, क्या हम चलें? ये तो असलियत से बिल्कुल उल्टा है। कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन ये जगह कमाल की है। ये क्या, देखो नाम भी उल्टा लिखा है। मुझे तो बस यहाँ आना था, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझ गए? पियो। अरे तुमने हमें धोखा दिया। रुक जाओ। रुको। हे इतने मुझे कोई भी इंसान नहीं पकड़ सकता, समझ गए? अरे ये क्या है? जूडो के ब्रेन का आकार ऐसा नहीं है। हमला करना बंद करो, ये लो। तुम्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। जल्दी हाथ से भागो नोबिता। डोरेमोन।
मारना मत, हमें इन्हें जिंदा ही पकड़ना है। लगता नहीं वो बचा होगा। दोस्तों, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो सबको ले गए, अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा। इतनी मुश्किल से बचे हैं, खुद को खतरे में क्यों डालना चाहते हो? बताओ, क्या तुम किसी को ऐसे छोड़कर जा सकते हो? उनकी मदद करने का क्या फायदा? ऐसी बात है, फायदा या नुकसान मैं नहीं सोच रहा, वो मेरे दोस्त हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। तुम्हारे दोस्त? मुझे कुछ करना होगा और उनकी मदद करनी होगी। चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे तो बस तुम्हारा एहसान उतारना चाहता हूँ। सच में पीपो, तुम तो बहुत अच्छे हो। शायद अब तक टब पानी से भर गया होगा। हाँ हाँ, ये क्या है? ये तो मिरर वर्ल्ड है। हमारे पास समय बहुत कम है। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो, जल्दी और जल्दी करो। अरे जल्दी हाथ चलाओ, बैठ के क्या देख रहे हो? करो, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। ये तो हिल भी नहीं रहा है, ये बेकार हो गया है। ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, चलो इसका काम तमाम करते हैं। क्या लगता है, तुम मेरा काम तमाम नहीं कर सकते? अरे ये तो हिलने लगा, ये खड़ा हो रहा है, भागो। मेरी रूरू के अलावा किसी की बात नहीं सुनूंगा। ये क्या है? ये क्या है? कुछ पता चला क्या हो रहा है? यूडो ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। क्या कहा? चलो। नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? नोबिता, हम सब बहुत डर गए थे। मेरी मदद पीपो ने की और अब जैंडा क्रॉस भी हमारे साथ है। क्या सच में? यहाँ से भाग जाते हैं। गार्ड्स भी यहाँ पर नहीं है। चलो चले। सुनो नोबिता, पता नहीं वो अपना वादा तोड़कर यहाँ क्यों आ गए, जरूर कोई बात है। सुनो नोबिता, नहीं वो उन इंसानों को तो नहीं बचाना चाहता जिन्हें हमने पकड़ा है? पता नहीं। इंसान और नोबिता, तुम्हारा शुक्रिया। कमाल है। वाओ, ये तो जेंडा क्रॉस है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है दोस्तों। पीपो, रुक जाओ। रुक जाओ जियान। पीपो, स्मॉल लाइट।
पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है। आ, 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 चलो चलते हैं। यहाँ पर कोई है, इसे कैसे बाहर निकालूं? तुम ठीक हो? ये तो वही लड़की है, ये यहाँ कैसे आई? ये रोबोट है। रीडरू, तुम कहाँ चली गई? रीडरू जल्दी जवाब दो, जल्दी। पीपो, देखो यहाँ तो एक भी रोबोट नहीं है। वो जरूर हालात को संभालने के लिए गए होंगे और वापस आते ही होंगे। चलो यहाँ से बाहर चले। रीरुरू, तुम्हारे लिए एक अर्जेंट मैसेज है। ये क्या है? रीरुरू, जवाब दो, निकल चुकी है, कल शाम तक पृथ्वी पर पहुँच जाएगी। क्या कहा, कल शाम तक? वो लोग तो बहुत जल्दी आ रहे हैं। अब क्या होगा? ओ सर, रीरुरू तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हें एक काम सौंपा गया है, रोबोट सेना को सुरक्षित पृथ्वी तक पहुंचाना। जवाब दो। ये बात है, अगर रीरुरू रोबोट सेना को गाइड नहीं करेगी तो मुझे लगता है दोस्तों वो इस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे पास बस यही एक मौका है, किसी भी कीमत पर रीरुरू को यहाँ आने से रोकना होगा। दोस्तों यही मौका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रुको। पता नहीं वो वहाँ पर क्या कर रही है। चीफ, हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो इंतजार किस बात का? पृथ्वी पर हमला। रीरुरू, झूठो। झूठो, पता नहीं ये किसका नाम ले रही है। कौन है वहाँ पर? नोबिता, शुक्रिया नोबिता, तुम इस जगह पर क्यों आई? रीरुरू, ये कौन है? शिज़ुका, डोरेमोन, तुम ठीक हो ना? रीरुरू कहाँ है? रीरुरू, रीरुरू, अच्छा वो लड़की, वो अंदर है। रीरुरू, रीरुरू, ये तो एक रोबोट है। डोरेमोन, कहीं ये अंदर से टूट तो नहीं गई है ना? इसे रोबोट सेना की पृथ्वी तक आने में मदद करनी थी, अगर ये टूट गई होगी तो ऐसा नहीं कर पाएगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ बहुत बुरा हुआ, कितने दुख की बात है। ये लोग तो हमारी पृथ्वी पर हमला करना चाहते हैं। हाँ ये तो है। अगर हमने रीरुरू को ठीक कर दिया तो हम रोबोट सेना के बारे में जानकारी ले पाएंगे। चलो हम इसे ठीक करते हैं। हाँ हाँ इसे ठीक करते हैं। मशीन फर्स्ट एड किट, मेरे इस गैजेट की मदद से ये ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इससे काम बन जाएगा। सब लोग कमरे से बाहर जाओ, भले ही वो रोबोट है पर है तो लड़की ही। सुनो, क्या तुम लड़की हो? तुम तो बहुत प्यारी हो। देखो तमीज से बात करो, मैं एक लड़का हूँ। इसे भी ले जाओ। लेकिन देखो तुम उसकी फिक्र मत करो, वो जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसके कपड़े उतारती हूँ। इसे तो बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। अगर आज इसे चोट नहीं लगी होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इसे इंसानों की जासूसी के लिए भेजा गया था। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है दोस्तों। मुझे भी। ठीक है तो फिर चलते हैं। चलते हैं, लेकिन कहाँ पर? सुपरमार्केट। सुपरमार्केट।
मैं तो हमेशा से ही पूरा चिकन बॉक्स खाना चाहता था। सारा खाना अच्छी क्वालिटी का है। आज तो मैं सारी इम्पोर्टेड चीजें लूंगा। कप नूडल्स, कप नूडल्स, कप नूडल्स, मुझे सारे चाहिए। अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ अब मैं इसे और आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो तुम्हारी तरह दिखता है। मैं इसके जैसा बुद्धू बिल्कुल नहीं हूँ। देखो खुद कितना मोटा है और मेरा मजाक उड़ा रहा है। पता नहीं क्यों बस ऐसे ही ख्याल आया तो देखो उठो मत लेट जाओ। लेकिन क्यों तुम्हें चोट लगी है? लेकिन घबराओ मत मैं तुम्हें बचा लूंगी। मुझे बचा लोगी पर क्यों? देखो अगर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी तो तुम मर जाओगी। मर जाऊंगी तुम्हारा मतलब टूट जाऊंगी? अगर मैं टूट भी गई तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। देखो तुम ज्यादा मत हिलो, अगर तुम हिलोगी तो तुम्हें दर्द होगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। सुनो खाने का वक्त हो गया है। क्या खाना? खाना टेस्टी है। कितना अच्छा म्यूजिक है। हंस पड़ो जैसे सूरज की किरणें हो और बारिशों में भी तुम नाच लो। कुछ दिन ऐसे जिनमें है दुख भर के और आंधियां भी आए ऐसे खिलखिल के। है हंसती रोती ये जिंदगी तू झूठो से है ये गिरी। कुछ भी हो हम तो यूं संग संग रहेंगे। गर साथ जरा तुम मेरे जो हो तो मैं दिल में तुम्हारे रह जाऊं। सुनो पिपो तुम अकेले क्या सोच रही हो? हे नोबिता तुम भी हमारे साथ आओ। आफ है जो तुम हो मेरे सपने कल का फिर होगा सवेरा। खाना खाकर मजा आ गया। सुनो दवाई देने का वक्त हो गया है मैं जा रही हूँ। बाय बाय शिजुका। पिप्पो कहाँ गया? पता नहीं वो कहाँ गया। मुझे लगता है वो जरूर रिरुरु के पास गया होगा। और हमें लगता है तुम्हें रिरुरु बहुत पसंद है। तुम भी ना जियान। कल शाम तक रोबोट सेना यहाँ आ जाएगी। वैसे तो ये लोग ये जानते हैं लेकिन ये लोग अभी तक समझे नहीं है कि रोबोट्स असल में कितने खतरनाक है। माफ करना मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। दवाई लेने का वक्त हो गया है। बहुत बढ़िया देख लेना अब जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगी। तुम पछताओगी कि तुमने मुझे बचाया। बहुत जल्द रोबोट सेना यहाँ कर कर क्या करेंगे? वो तुम्हें मेका टोपिया ले जाएंगे गुलामों की तरह काम करवाने के लिए। गुलाम? मुझे पता है कि वैसे तो रोबोट्स इंसानों के लिए काम करते हैं लेकिन मेका टोपिया के राजा चाहते हैं कि यहाँ के सारे इंसान रोबोट्स के लिए काम करें। देखो इंसानों ने रोबोट्स को बनाया है। जो तुम कह रही हो वो गलत है। हाँ तुमने सही कहा। तुम्हें पता है यहाँ इंसानों के आने से पहले एक दूसरे ग्रह पर भी इंसान थे। ऊपर वाला उनसे बहुत परेशान था क्योंकि वो बहुत मतलबी थे, बहुत लालची थे और एक दूसरे को मारते थे। ऊपर वाले ने आकर एक निर्जन टापू पर अमू और इमू नाम के दो रोबोट्स बनाए और उनसे कहा कि एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जो जन्नत कहलाने के काबिल हो। अमू और इमू ने और रोबोट्स बनाने शुरू किए। कुछ ही समय में हुक्म चलाने वाले और हुक्म पर काम करने वाले रोबोट्स बन गए। अमीर और राजघरों के रोबोट्स ने वादे। तब एक नया कायदा बना कि गुलामी के लिए इंसानों का इस्तेमाल होगा। कुछ समझी? रोबोट्स ऊपर वाले के बनाए हुए ही हैं। ये यूनिवर्स रोबोट्स के लिए है। ये बिल्कुल इंसानों के इतिहास की तरह ही है।
ऊपर वाले को भी बहुत दुख होता होगा। तुम जो कहानी मुझे सुना रही हो वो मैं जानती हूँ, लेकिन रोबोट्स को इंसान ने ही बनाया है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है कि रोबोट्स को इंसानों ने बनाया है? ये गलत है। चुप हो जाओ, इस तरह तुम ठीक नहीं होगी। अपनी गलती मानो। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा होता कि वो टूट जाती। कर रही है पर मुझे इसका यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द रोबोट को इंसानों को कब्जे में लेकर गुलाम बना लेना चाहिए। क्या तुम सच में यही चाहती हो? जूडो। अरे हाँ, मेरा नाम तो जूडो था। देखो ना, पृथ्वी से देखने पर तारे कितने खूबसूरत दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैकाटोपिया से दिखाई देते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इंसान वाकई बुरे लोग होते हैं? क्या पता वो हमारे जैसे ही हो। ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम यहाँ जो करने आए हो वो भूल गए हो। पर तब मुझे ये बात समझ में आई और मैंने महसूस किया कि तुमने भी एक बार मेरी मदद की थी। बस करो, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, ये बेमतलब की बातें हैं। तुमने खुद अपनी मदद की थी। तो क्या इसका मतलब? रीरुरु, जवाब दो। रीरुरु, रीरुरु। पिप्पू अभी तक नहीं आया, पता नहीं वो इस समय कहाँ पर होगा। हाँ, वो तो रीरुरु के पास भी नहीं भी देता हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस मैग्नेट। लॉन्ग डिस्टेंस मैग्नेट? तुम जिस इंसान को ढूंढना चाहते हो उसे ये गैजेट अपने टेलीस्कोप से ढूंढकर अपनी मैग्नेट की मदद से तुम्हारे पास ले आता है। अब तुम मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर हो। चलो अब पीपो को इस टेलीस्कोप की मदद से ढूंढो। ठीक है, लेकिन इस बड़ी दुनिया में पीपो को ढूंढना ऐसा है जैसे भूसे के ढेर में से सुई ढूंढना। ये बहुत मुश्किल है। हो रहा। क्या? तुमने उसे ढूंढ भी लिया? काम बन गया। ये क्या है? तुम ठीक तो हो? लो बेटा तुम्हारा सिर। ये कैसे हुआ? ये क्या है? मुझे नहीं पता था इसका चुंबक इतना शक्तिशाली है। जल्दी कुछ करो, मेरे इस गैजेट का असर 10 घंटे तक रहेगा। तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। क्या मुसीबत है? ये सब करने को तुमसे किसने कहा था? पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। पर क्यों? तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हुई? अर्जेंट मीटिंग। अरे ये वापस आ गया। ये कैसा दिख रहा है? ये तो अब भी बहुत प्यारा लग रहा है। चुप रहो तुम लोग। देखो मैं तुम सबको प्लान बताता हूँ, लेकिन उससे पहले पीपो ये बताओ तुम हमारे दोस्त हो या फिर दुश्मन? मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं, मैं रीरुरु का सहायक हूँ। उससे फर्क नहीं पड़ता हूँ, हम उसे बताने का खतरा नहीं उठा सकते। The earlobes। मैं नहीं चाहती।
आता रिरुरु को हमारा प्लान पता चले। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं कहा। अभी भी मेरा मजाक मत उड़ाना। इन पर ध्यान मत दो। मजाक उड़ाया तो छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं कहाँ फंस गया। अब बताओ क्या प्लान है। मैं उस दिन एक बड़ी झील की बात कर रहा था ना, हम उस पे ऑयल डाल देंगे और एक बड़ा मिरर बनाएंगे ताकि एक बड़ा एग्जिट बन सके, और उसके बाद हम रोबोट सेना को मिरर वर्ल्ड में ले जाएंगे। तुम्हारा मतलब वो पूरी रोबोट सेना? बिल्कुल सुनियो, और फिर मिरर वर्ल्ड में चाहे वो कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? लेकिन तुम उन्हें बुलाओगे कैसे डोरेमोन? पीपो उन्हें सिग्नल्स भेज कर यहाँ बुलाएगा। मुझे इससे अलग करो। हम वो सिग्नल्स झील से भेजेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर रिरुरु आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे अब वो कैसी है? वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। देखो उसे ये दे देना, इससे वो 24 घंटे के लिए सो जाएगी। लेकिन वो तो ये तो बस उसे सुलाने के लिए है। मन कैसे होते हैं, अपने दुश्मन की ही मदद कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। चलो ये ड्रेस मैं तुम्हें पहना देती हूँ। तुम जितना आराम करोगी उतना अच्छा होगा। चलो अब थोड़ी देर लेट जाओ, ठीक है? मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज होता है। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अब सो जाओ। ये कितनी मैली है। पर देखो ना इसे, ये कितनी अकेली लगती है। अकेली लगती है? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। देखो ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है गुड़िया में भी दिल होता है। तुम इस बारे में क्या कहती हो? लगता है तुम सो गई। लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। देखो डोरेमोन, रिफ्लेक्टिव ऑयल फैल रहा है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो पियो? तुम फिक्र मत करो। सुनियो हमला करो। डोरेमोन का ये गैजेट तो कमाल का है, दोनों को मजा चखा दिया। पता नहीं वो इधर आएंगे भी या नहीं। देखो मुझे शहर में कुछ काम खत्म करने जाना है, तुम झील का ख्याल रखना। और हाँ पीपो का भी, मुझे तुमसे अलग होना है। अलग होना है। हम अलग हो गए। ऐसी दुनिया में रहना जहाँ कोई ना हो, सच में खतरनाक लगता है। कितनी खामोशी है यहाँ। नोबिता तो डरपोक है। मैं बहादुर हूँ। जी नहीं, तुम डरपोक हो। देखो मैं डरपोक नहीं हूँ। जी हाँ तुम डरपोक हो, नोबिता डरपोक है। डरपोक 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 डरपोक। ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ये क्या है, क्या है? पिप्पू तुम तो डर गए। मैं तो बस चौंक गया था, मैं डरा नहीं था। बिल्कुल नहीं, तुम तो सच में डरपोक हो। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। ये सच है, ये सच है, पिप्पो डर गया। अभी तुम हंस लो जितना हंसता है, एक बार रोबोट सेना आ जाएगी, फिर वो तुम लोगों का काम तमाम कर देगी। देखते ही देखते तुम सबको साफ कर देगी, और मैं भी अपने असली का हरगिज माफ नहीं करूँगा। लेकिन पिप्पो, मैं तो तुमसे लड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। Ah!
अब आसमान में और रोबोट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है सारे रोबोट्स आ चुके हैं। शिजुका कहाँ है? वो कुछ खाने के लिए सुपरमार्केट गई है। मैं भी तुमसे नहीं लड़ना चाहती, पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम उससे दूर रहकर भी बात कर सकती हो? हाँ, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर धीरुरु का एक हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों के बीच की दूरियाँ बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ धीरुरु भी वैसा ही महसूस करे जैसा मैं कर रहा हूँ। तो ये है पृथ्वी। पहले हम बड़े शहरों को तबाह करेंगे, उसके बाद हम पृथ्वी के लोगों को कब्जे में लेंगे और उन्हें अपना गुलाम बनाएंगे। जाओ हमला शुरू करो। पता है जियान, वो सारे के सारे रोबोट्स आ गए हैं। सच में? अच्छा हुआ डोरेमोन ने उन सबको मिरर वर्ल्ड में भेज दिया। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। हम घर आ गए। क्या तुम लोगों को पता है वो रोबोट सेना आ चुकी है? हाँ हाँ हमें पता है, सुनियो। इंसान उस बिल्डिंग से जवाबी हमला कर रहे हैं, उड़ा दो उन्हें। वहाँ पर कोई नहीं है, तुम लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो। बहुत हो गया, अब हमला बंद करो। बकवास बंद करो। जब तक हमले की वजह से इंसान बाहर नहीं आ जाते, तब तक तुम तबाही मचाते रहो। रहा है? बताता हूँ, ये मेरे गैजेट का कमाल है नोबिता। ये है एकोइंग माउंटेन। ये आवाज पर रिएक्ट करती है और रोशनी और धमाके का पता लगने पर भी फायर करती है। तो रोबोट सेना के हमले का जवाब ये मशीन जोरदार तरीके से देगी? हाँ, रोबोट सेना का कोई दुश्मन नहीं है, ये गैजेट ही पूरी ताकत से उनसे लड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हमें इसके सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, अब ये हमारा दोस्त है। अरे नोबिता, ये सब अपनी तरफ से ऐसे ही कह रहा है। पियो, गड़बड़ हो गई। रीरुरु अपने कमरे में नहीं है। वो कहाँ चली गयी? रीरुरु! अगर रीरुरु को मिरर वर्ल्ड के बारे में पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? हमें इतने दिनों से एक भी इंसान नहीं मिला है, इसका मतलब कुछ भी पता नहीं चला है। रीरुरु! तुम कहाँ हो? रीरुरु! रीरुरु! तुम कहाँ हो? रीरुरु! पिप्पा! रीरुरु! पिप्पा! हाँ? रीरुरु! नोबिता, तुम? शिजुका तुम्हारे लिए परेशान हो रही है, चलो अब वापस चलते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अब बेस वापस लौटना है, तुम्हारे धोखे के बारे में बताना है। लेकिन रीरुरु, अगर तुमने ऐसा किया तो इस दुनिया में... हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस दुनिया पर हमारा कब्जा हो जाएगा और मैं वैसे भी इसी काम के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रुको, चलाओ गोली। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आए? रीरुरु, इंसानों के साथ लड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो तुम अपनी दुनिया के साथ धोखा करोगे? रीरुरु, इतनी पत्थर दिल मत बनो, मेरे दिल की आवाज सुनो। मैं जानता हूँ तुम मेरी बात समझ रही हो। बस करो, मैं मेकाटोपिया की एक रोबोट हूँ, मैं सिर्फ अपने मालिक का ही कहना मानूंगी, इसलिए चाहे जो हो जाए मैं ये काम जरूर करूंगी। रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुकी तो मैं...
तुम्हें गोली मार दूंगा। मार दो गोली, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे गोली मारनी ही होगी। मारो। अब मेरी बारी। लोग आ गए। तुम अब तक क्या कर रही थी? तुमने हमें कांटेक्ट भी नहीं किया। तुम भूल गई तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया था? नहीं, मैं नहीं भूली। अचानक एक मुश्किल आ पड़ी थी। मैं हमेशा आपके साथ थी, पर अब कहीं जाकर मुझे इंसानों को जानने का मौका मिला। तो ये बात है, लेकिन वो इंसान है कहाँ? हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक एक भी इंसान नहीं मिला। आखिर वो सब कहाँ चले गए? जवाब चाहिए मुझे। मैं कुछ नहीं बता सकती। क्या कहा तुमने? इंसानों को गुलाम बनाना अच्छी बात नहीं है। क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? मुझे धोखा मत देना। जल्दी बताओ तुम क्या जानती हो? इंसान कीड़े मकोड़े जैसे हैं, उनके लिए हमदर्दी मत। कीड़े मकोड़े नहीं है, वो बिल्कुल हमारी तरह है। उनका दिल हमसे भी ज्यादा अच्छा है। मैं उन्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ। डोरेमोन, क्या हम उसे बचाने जाएं? देखो, हम इतने सारे रोबोट से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन फिर तुम गलती कर रही हो। रोबोट्स का जन्म यूनिवर्स पर राज करने के लिए हुआ है। इंसानों की बजाय हम रोबोट्स का स्वर्ग बनाना चाहते हैं। शायद रोबोट्स का कोई स्वर्ग नहीं बन सकता, और मुझे लगता है कि जो जहाँ रहता है उसी जगह पर स्वर्ग बनाया जा सकता है। आपको ये बात समझनी होगी, इंसान बुरे नहीं होते, वो कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं होते। अब ये हमारे किसी काम की नहीं। आपने सही कहा, इसे सजा देनी ही पड़ेगी। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? आपको ये सब बंद करना होगा, यहाँ से चले जाइए। जान रहे इसकी राख भी नहीं बचनी चाहिए, जलाकर खत्म कर दो इसे। ये किसने किया? उधर देखिए बॉस। रीरुरू, रीरुरू, हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं। क्या? ये तो इंसान है। मजा दिखा इन्हें। हमला करो। कमाल हो गया चीफ, जूडो ने भी हमें धोखा दे दिया। तो इसका मतलब है जरूर इनके पास कोई ताकत है। जाओ ढूंढो उन्हें, अगर उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर लाना पड़े तो लेकर आओ। जूडो आया और अपनी जान दांव पर लगा दी। रीरुरु, तो अब तुम हमारी दोस्त बन गई हो। पर क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि गुलामी एक बुरी चीज है, और मैं मेकाटोपिया की रोबोट हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो ये तक नहीं जानती कि आखिर अब मेरे दिल में है क्या। हम पीछे हटे तो मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम सबसे ये विनती करना चाहती हूँ, मुझे कहीं छुपा दो। तो ठीक है, मैं तुम्हें छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हमें उनसे छुटकारा मिले तब तुम यहीं रहना। इसे लॉक कर दो। यहाँ तो एक भी इंसान नहीं है। आखिर वो लोग चले कहाँ गए? सर, ये क्या है? ये वो मैप है जो हमें मेकाटोपिया से मिला है। इसमें तो सब कुछ उल्टा है। उन लोगों ने हमारे साथ चालाकी की है। ये एक नकली दुनिया है। जाओ उनका पता लगाओ।
जल्दी आओ दोस्तों, बाहर रोबोट्स की बहुत बड़ी सेना है। वो सारे रोबोट्स झील से निकल रहे हैं। हमारा राज खुल गया, अब क्या होगा? इससे पहले कि वो असली दुनिया में तबाही मचाए, मुझे कुछ करना ही होगा। तो अब क्या हमें उनसे लड़ना होगा? शिज़ुका, तुम रीरूरू के पास ही रहना, अगर कोई परेशानी हो तो ये स्पेयर पॉकेट इस्तेमाल करना। तुम्हारा शुक्रिया। रीरूरू, मैं चलता हूँ। प्लीज अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। मैं नोबिता की तरफ से लड़ूंगा, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। चलो चले नोबिता। हाँ। फिर वो देखो, ये है फ्यूचर गन और ये है ग्लू और ये बाकी सारे गैजेट्स हैं, तुम कोई भी ले सकते हो। बहुत अच्छे। ये वो गन्स हैं जो रोशनी की तरफ फायर करती हैं और मैंने इन्हें पहले से ही सेट कर दिया है। शांत रहो। क्या कहा, शांत हो जाऊं? लेकिन कैसे? क्या तुम नहीं जानते एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हालात कितने खतरनाक हैं? हमें सब पता है सुनियो, पर हम उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, तुमने सही कहा, अगर हम उन्हें नहीं रोक पाए तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा पाएगा। चुप हो जाओ सुनियो। तुम क्या सोच रहे हो नोबिता? हम सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। अब तक हमने इंसानों के बारे में कभी नहीं सोचा। हम तो सोचते थे कि अगर हम सारे इंसानों को गुलाम बना लें, ऐसा लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तो और, प्रोफेसर ने हमें और तुम्हें बनाते हुए भी कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? मैं पास्ट में जाकर प्रोफेसर से शिकायत करना चाहती हूँ। तो ये बात है? हाँ। क्या कहा? हाँ? जानती हूँ, जो तुमने अभी कहा उससे पृथ्वी बच सकती है। चलो अब तुम जल्दी से बाहर आओ, हमें जल्दी से प्रोफेसर के पास जाना होगा। प्रोफेसर के पास? हाँ, तुमने जो मुझसे अभी कहा उससे मुझे ये आईडिया आया है। हमला करो। मुझे तो लगता है दुनिया पूरी तरह जल जाएगी। इस मिरर से हम असली दुनिया में पहुंच सकते हैं। चलो। माफ कीजिए आंटी। तुम यहाँ? अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में बताऊंगी। जा सकते हैं, डोरेमोन के गैजेट्स कमाल के हैं। ये क्या डोरेमोन? इनकी रोबोट सेना तो बहुत बड़ी है। ये तो कुछ भी नहीं नोबिता, अभी तो और भी सेना आने वाली है। देखता हूँ ये पांच लोग हमारा सामना कब तक कर पाएंगे। क्या ये 30,000 साल पुराना मेगाटोपिया है? क्या कहा तुमने, मेरे बनाए हुए रोबोट ऐसा कर रहे हैं? हमें लगा कि आप कुछ कर पाएंगे क्योंकि आप एक जीनियस हैं। इसका मतलब जो कंपटीशन ब्रेन मैंने उनमें फिट किया था वो सही काम नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? वो एक ऐसा ब्रेन है जो यूनिवर्स के सभी जीवों से थोड़ा ज्यादा विकसित है। मुझे लगा था वो इसका इस्तेमाल दुनिया के विकास के लिए करेंगे, लेकिन शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी मदद से सिर्फ ताकतवर जीवों को बढ़ावा मिल रहा है और जो कमजोर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। सुधार करना होगा। जरा ध्यान से, आप ठीक तो है ना? लगता है अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। लगता है मुझे उन्हें थोड़ा और नर्म दिल बनाना चाहिए था। जाओ हमला करो। तैयार हो जाओ दोस्तों, सब लोग हमला करो। इस सेटिंग से शायद मेकाटोपिया 30,000 साल बाद एक बिल्कुल अलग दुनिया बन जाएगा। तो फिर रोबोट सेना का क्या होगा? इतिहास बदल जाएगा, सारी रोबोट सेना अपने आप गायब हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब रीरूरू भी गायब हो जाएगी। क्या मैं गायब हो जाऊंगी? प्रोफेसर मुझे बताइए, क्या मैं भी उनकी तरह गायब हो जाऊंगी? प्रोफेसर नहीं, नहीं मैं
प्रोफेसर, आपको मुझे बताना होगा मैं रहूंगी या नहीं। रीरुरु, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जानती कि मैं रहूंगी या नहीं, पर मैं ये जानती हूँ कि मैं एक असली स्वर्ग बनाने में मदद कर सकती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। नोबिता, तो जूडो है जी, इंसानों की तरह सोचता है। क्या हुआ बॉस? मैं जूडो को नहीं छोड़ूंगा। ओ नहीं, मैं ये कर पाऊंगी या नहीं? समझ गई। शायद मैं जानती हूँ कि मुझे अब क्या करना है। शायद यही ठीक रहेगा। जूडो, शायद तुम जानते हो कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ। हाँ, मैं सोच रही हूँ। हमें इन सबको बचा नहीं होगा। वो सब लोग कैसे चल रहे हैं? पीपो! रीरुरु! आगे बढ़े तो तुम सब मारे जाओगे। देखो, ये क्या? हमारे सैनिक आ गए, अब हमारी जीत होगी। मुझे इसी पल का इंतजार था। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम क्या करेंगे? अब कुछ नहीं हो सकता। हमला करो। ये क्या हो रहा है? पता नहीं चीफ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बिल्कुल सही हो रहा है। पिप्पो, पिप्पो, मत करो नोबिता, लेकिन मेरा अब तुम्हें छोड़ के जाने का वक्त आ गया है। नोबिता, ये तुम क्या कह रही हो? देखो ऐसा मत कहो पिप्पो। रीरुरु, शिशुका, अब मेगाटोपिया स्वर्ग बन सकता है, एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाएगा। ऐसा मत कहो, तुम नहीं जा सकती। शिशुका, मुझे तुम सबकी याद आएगी। मैं तुम सबको कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं एक अच्छा रोबोट बनना पसंद करूंगी। पिप्पो! हाँ,
हूँ। मुझे पिप्पो नाम बहुत प्यारा लगता है। तुम मेरी दोस्त बनोगी ना? समय बीत गया है ना डोरेमोन? अच्छा डोरेमोन, तुम मुझे ये बताओ 30,000 साल बाद मेकाटोपिया कैसा स्टार बनेगा? नोबिता, वो तो अभी हाँ ऐसा हो सकता है। नोबिता सुनो, आज सब लोग आसमान में घूमना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हम इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने दोबारा जन्म लिया होगा तो क्या वो फिर से पृथ्वी पर आएंगे? शायद इस बार वो जासूस बनकर नहीं आएंगे। आखिर में हम दोनों सोचे कि तो